अगर आप कैनेडा इमिग्रेट करना चाहते हो तो आपके पास दो मेन ऑप्शनस हैं या तो आप एज अ पी आर आएँ परमानेंट रेजिडेंट और या आप एज अ स्टूडेंट आए अगर आप परमानेंट रेजिडेंट पे आना चाहते हैं तो आपको पता है कि सी आर एस स्कोर अब बहुत हाई हो चुका है फाइव हंड्रेड प्लस चल रहा है सो तो उसके लिए आपको मास्टर्स प्रोग्राम करा होना चाहिए तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड देन टू कभी कभी आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू भी आ, देखना पड़ते हैं ऑप्शनस क्या क्या हैं सो बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास होता है वो है एज़ आप स्टूडेंट आते हैं कैनेडा में अपनी स्टडीज कम्प्लीट करते हैं आप थोड़ा सा कैनेडा का एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर आप यहाँ पर वर्क परमिट पर काम करना स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट सो इस वीडियो में हम पाँच मेन स्टडी परमिट रिजेक्शन रीजन्स डिस्कस करने वाले हैं लेट्स गेट स्टार्टेड वीज़ा ऑफिसर जो हमारी प्रोफाइल एक्सेस करता है या वो हमें रिजेक्शन देता है तो वो जो मेन सेक्शन चेक करता है वो 216 सेक्शन का पार्ट वन होता है जो इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंतर्गत आता है तो इसमें जो हमको वो रीज़न लिख के देता है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एज टिपुलेटेड इन सेक्शन टू पार्ट वन ऑफ द आई बेस्ड ऑन और उसके बाद आपका वो रीज़न लिखा होता है तो जो मेन रीज़न हम बात करेंगे पहला रीज़न जो है वो है पर्पस ऑफ योर विजिट कि आपने ये क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि आप एज अ स्टूडेंट जाना चाहते हो इवन दो आपको लग रहा होगा कि मैं डॉक्यूमेंट्स लगा रहा हूँ मैंने अपनी मैंने अपनी फीस डिपॉजिट करी है वो लगाया है एनरोलमेंट लेटर लगाया है बट आपने अपनी पूरी प्रोफाइल में जैसे कि आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बनाया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने अपना नहीं मेंशन किया कि आपको वहाँ पे पढ़ाई करने जाना है या क्या प्रॉब्लम है कि आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको कनाडा से ही पढ़ाई करनी है और आपके नेबरिंग कंट्री या किसी और कंट्री से आप ये कोर्स या कोई और कोर्स नहीं कर सकते इनफैक्ट अपनी आप कंट्री से ही वो कोर्स क्यों नहीं कर सकते हो आपको कैनेडा जाके वो कोर्स क्यों करना है तो आपको प्रॉपरली मैंशन करना है क्योंकि इसमें जो वीज़ा वीज़ा ऑफिसर होता है उसको मेनली ये लगता है कि या तो आप जेनविन स्टूडेंट नहीं हैं आप लेबर मार्केट में एंटर होना चाहते हैं कनाडा की और या फिर आप ऑनेस्ट नहीं हैं वो सेम वन एंड द सेम थिंग होता है सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न दैट योर पर्पज ऑफ विजिट इज़ नॉट क्लियर और ये आप बहुत ईजिली क्लियर कर सकते हैं आप इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन राइटिंग एस ओ पी मे बी आप एस ओ पी राइटर हायर करिए मे बी आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट हायर करिए या आप अपने आप भी थोड़ा एफर्ट डाल के दोबारा एस ओ पी लिख सकते हैं नाउ द सेकेंड थिंग जो मैं बात करता हूँ जो रिजेक्शन आता है आपका उसका रीज़न होता है पर्सनल फाइनेंस एंड एसेट स्टेटस सो ये बताता है कि आपने अपनी स्टडी के लिए एनरोलमेंट करवा लिया है बेशक आपने फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस भी डिपॉज़िट करा दी हो बट आप ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि अगर आपका वो दो साल का या तीन साल का कोर्स है तो आप बाकी की फ़ीस कैसे पे करेंगे क्या फाइनेंशियल एसेट्स हैं आपके पास क्या आपके बैंक में बैलेंस है इतना कि आपको कैनेडा जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम फर्स्ट ईयर की फ़ीस डिपॉज़िट करते हैं उसके बाद हम कैनेडा जाएंगे वहाँ पे हम स्टडी परमिट पे पार्ट टाइम काम करेंगे और वहाँ से हम अपने सेकेंड ईयर की फ़ीस इकट्ठी कर सकते हैं बट वीज़ा ऑफिसर इसको नहीं मानता है वो कन्सिडर करता है कि अगर आप पढ़ने आ रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिली पार्ट टाइम तो भी आपके पास फंड्स होने चाहिए वरना आप हो सकता है आप कैनेडा से वापस ना आए या हो सकता है आप बीच में अपना स्टेटस चेंज करने की कोशिश करें सो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन रिजेक्शन रीज़न थर्ड जो रिजेक्शन रीज़न है जो हमने विजिटर वीज़ा में भी डिस्कस किया था वो है कि यू हैव स्ट्रॉग फैमिली टाइज़ इन कैनेडा और यू डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज़ इन योर होम कंट्री सो या तो आपका आपकी होम कंट्री जैसे कि इंडिया हो गया तो उसमें आपके पास कोई भी उसमें आपका फैमिली मेबर नहीं है या कैनेडा में बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं तो इसमें आपके पास अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है या कोई वहीकल है या कोई या और चीज़ है तो आप उसको मैंशन कर सकते हैं अदरवाइज़ आप थोड़ा सा और इन्फ्लुएंस दे सकते हैं अपने एस पे आप कम से कम तीन से चार बार मैंशन करिए कि जब आप वापस आएंगे तो आपको कैसी प्रोफाइल में काम करना है आप कौन कौन सी कंपनीज टारगेट कर रहे हैं सो जस्ट ट्राई टू इन्फ्लुएंस देम कि आप वापस आ रहे हैं और वापस आके आप क्या काम करेंगे बेशक आप कुछ एजम्पन्स लेकर कर रहे हैं फोर्थ जो रिजेक्शन रीजन है वो होता है योर प्रपोज स्टडीज़ आर नॉट रीज़नेबल इन लाइट ऑफ योर क्वालिफिकेशन प्रीवियस स्टडीज़ मिसिंग मार्कशीट्स अकेडमिक रिकॉर्ड्स लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लैंग्वेज फाइनेंशियल एबिलिटी एंड और फ्यूचर एस्पेक्ट्स सो इसमें भी दो रीज़न होते हैं या तो आपके जो पुरानी आपने जो एजुकेशन करी है या आपका आइल्स का स्कोर अच्छा नहीं है एक तो ये रीज़न होता है दूसरा है कि आप ढीं से ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाए जैसे कि आपके पास सेवन एट ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आप एक डिप्लोमा कोर्स करने आ रहे हैं आपने इंडिया में हो सकता है मास्टर्स कर रखी हो तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप वो कोर्स करने आते हैं तो उसमें वो आपको रिजेक्शन रीज़न दे देते हैं कि यार जो तुमने इस्टेब्लिश कर लिया है ऑलरेडी उसके बेसिस पे आप क्या हो कैसे मैं अप्रूव कर दूँ ये प्रोफाइल ठीक है तो ये रीज़न को ओवरकम करने के लिए आपको अपनी एस ओ पी स्ट्रॉग करनी पड़ती है अगर आपके कॉलेज में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं और या अगर आपका आइल्स में स्कोर बुरा है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि मैं साइड बाय साइड अपनी ट्यूशन ले रहा हूँ मैं कोचिंग ले रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ ताकि मुझे इंप्रूव करना है या तब मैं थोड़ा फोकस नहीं था अपनी स्टडीज़ के लिए और अब मैंने थोड़ा सा फोकस आ, किया है तो मुझे समझ में आया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सो so, आपको ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे आपको कुछ रीज़न्स ढूंढने पड़ेंगे जो आप मैंशन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पर फिफ्थ जो रीज़न आता है वो है बेस्ड ऑन योर करेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जो भी एक स्टूडेंट आ रहा है वो सीधा या तो अपनी ट्वेल्थ पास करके आ रहा है यहाँ पर या वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आ रहा है हो सकता है कि आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस हो हो सकता है आपके पास सात आठ साल का एक्सपीरियंस हो या चार पाँच साल का एक्सपीरियंस हो और जो आपके बैच में दूसरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो आपका कोहोट है उसमें आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा हो सो बेस्ड ऑन दैट आपको रिजेक्शन आ सकता है सो so ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आपने चार पाँच साल काम किया है तो अब आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको फर्दर स्टडीज़ में जाना है और आपको कैनेडा ही फर्दर स्टडीज़ में जाना है सो so, इसके लिए अगर आप अपनी एस जो भी आपका रीज़न बनता है इसमें से अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज नहीं है अगर आपके मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं आ रखे हैं या आपके पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है ये सारी चीज़ें आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आप एक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा एस क्रिएट करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ और रिजेक्शन रीजनस आते हैं वो है कि यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री तो ये थोड़ा सा वेग रीज़न होता है इसमें क्योंकि अगर आप एज अ स्टूडेंट इंडिया में हो आप ट्वेल्थ पास करके उसके बाद मूव करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी और उसके अलावा जो आता है वो अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्स आता है विच इज़ ऑल्सो समवेयर सिमिलर टू योर फाइनेंशियल एसेट्स तो कोशिश करिए कि आप प्रूफ ऑफ फंड शो करें और प्रूफ ऑफ फंड में भी आपके जैसे मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स होते हैं सो so, अइर्स अगर आप ये दिखाएंगे सिर्फ कि मेरे पास घर है और वो इतनी वैल्यू का है मतलब वो वन मिलियन डॉलर का है या टू मिलियन डॉलर का है तो वो वो प्रूफ ऑफ़ फंड फॉर एजुकेशन नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि घर बेचना इतना आसान नहीं होता सो यू शुड हैव सम लिक्विड कैश विद यू अदरवाइज आप लोन दिखा सकते हैं या आपको इस्पॉन्सर दिखा सकते हैं अगर आपका ब्रदर सिस्टर कहीं पर है और वो अच्छी जॉब कर रहा है तो आप दिखा सकते हैं उनकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि वो मेरी एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे और उनका बैंक बैलेंस दिखा सकते हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके अपने अकाउंट में ही फंड्स होने चाहिए एंड द लास्ट रीज़न दैट इज़ इमीग्रेशन स्टेटस इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस तो जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पर आपका इमिग्रेशन स्टेटसो गाइज आई होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर इथ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू